पूरा जलावे तो कहा जलावे दुख आग लग जाए मैं जलाओ 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 मैं क्यों बोल रहा ना जलाओ ठंडा लगा थे हाँ ठंडा लगा थे जलाओ जलाओ पाइट वाला पूरा जल जाए जला जला ठंडा लगा थे और नाकामा है संगीत का मौका मिला तो सभी को सर्विस करने के लिए तैयार तो पहला संगीतकार और दूसरे क्षेत्र के लिए जब जीत कर रही है और समाज के लिए अंदाजा लगा रही है कि ये होने वाला है तो बाहर ये चीज मैं कुछ नहीं कहूंगा ये अनुमान के आईने में सब चीज छुपी हुई है तो आने वाला बताएगा इसी ओर देखा जाए एक एका जहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे वहीं भी दबाए गए तो जश्न के लिए जारी भी आज कुछ कर रही है अब या तो पहला पड़ेगा तो अब यहां से मैं आवाज देने वाला हूं आवाज देने वाला हूं बहुत जल्द बुलाने वाला हूं बहुत भाई देखिए दर्शकों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस साउंड से आप छेड़खानी नहीं करें अगर छेड़खानी करना है तो करिए तो हम माइक बंद कर दे आप शांति के साथ माइक देखें साथ में चार्ज पक्का गया मोहम्मद अतिथा इसके बाद फैसला से फाइनल मैच होना है उसके बाद फाइनल मैच होगा तो यहाँ पर देखा कि आतिफ लगातार अपना एंगल बदल रहा अपना गेयर बदल रहा है जहाँ पे जैसी जरूरत वैसा रिचार्ज कर रहा है तो मैं देख रहा हूँ मोहम्मद साहब लगातार साहस सलाम लेते हुए हाल चाल बेहतरीन था तो मैं अब आवाज देने वाला हूँ तो यहाँ पर देखा जाए एक टीम अब माइक्रोफोन पर आ रहे हैं जनाब मोहम्मद नासिर साहब हमारे पूरे जो रेशमी नगरी और रेशमी नगरी से निकलने वाला यह बेहतरीन कमांडेटर अल्हाज काजी मोहम्मद सिद्दीक मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला पहला सेमीफाइनल मुकाबले का दूसरा सेट इस सेट का आप थोड़ी का हाल सुनाने के लिए मैं नासिर मुबारक पूरी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आप आए आगे का थोड़ी का हाल माइक्रोफोन पर आ सके जो काफी देर से कर्ज और बरस रहे थे दर्शक के ऊपर तो मैं देख रहा हूँ कि ये दूसरा सेट और दूसरे सेट से दो पॉइंट से लीड कर रहा है सपीक स्पोर्ट गैलरी और निहाल कर दिया निहाल ने कमाल देखा कि जगह खाली है हल्का सा बाल को ऐसे चलाया जैसे बाल नहीं महबूबा का बाल हो अच्छी सर्विस और कमाल आठ नंबर की टीम में और ये पहला टाइम आउट लेने पे मजबूर कर दिया है तो मैं देख रहा हूं कि और ये जारी रूप से मिलना चाहो अच्छी शॉट लगाया एक पांच स्कोर में टीम का ताल्लुक गंगापुर के सरजमीन से है अपने खेल के ढलान पे जब इस खिलाड़ी का रोज था तो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का पसीना चढ़ा देता तारे निहाल और निहाल का नेतृत्व आज किया गया
बहुत ही अच्छी रिपोर्ट से पकड़ लीजिए जिनका ताल्लुक दादा से है, ये जो प्लेयर है ये क्रिकेट की दुनिया में भी एक बहुत ही बेहतरीन बॉलर है और वॉलीबॉल की दुनिया में भी एक बेहतरीन स्पेशल है, ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है। इसके मुकाबले के फौरन बाद जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा साइलैंड कंपनी अशरफपुर और मोहसिन फायरलैंड कंपनी कटोरी और यार बस मोदी बॉल पे अच्छा प्रहार, अपनी टीम को एक आसान सा सर्विस चेंज दिया 5-4 के स्कोर पे। सफेद तो सब आगे का टारगेट और नई बाल को ग्राउंड में डाला गया है, कमेटी के दौरान बाल को कलेक्ट कर ले स्टैंड से और यहाँ एक लंबा हिटिंग डाला में स्कोर लेवल 5-5 बराबर तालियां बजाने दर्शक अपनी जिंदा दिल का सपोर्ट दे तो इस मुकाबले में नई जान पैदा होगी। इतने सारे मुकाबले देश का पहले के हुए हुए और तीन से जो सभी मुकाबले हुए हैं इस मुकाबले को जो अगर तीन सेट में देखना चाहती है पब्लिक तो थोड़ा बेदार होना पड़ेगा, थोड़ा सा खिलाड़ियों को जगाना होगा। सरदार जमाई का टारगेट और आज के जो हमारे फर्स्ट रेफरी है सफीर अहमद वॉलीबॉल की दुनिया का एक बहुत ही बेहतरीन रेफरी सफीर अहमद जिसका ताल्लुक हमारा पूर्व जमीन से है, मैं उसको भी मुबारकबाद दूंगा सफीर अहमद साहब को बहुत ही चमला जमाली का और यहाँ आखिर बाल को दौड़ करना चाहते थे हित बाल को संभाला है और ये मास्क पुकारने की चार्ज किया गया हाथों को ऐसे हिला रहे हैं जैसे इशारा न दे रहे हैं बल्कि महबूबा के बालों को सहला रहे हैं। सब्बीर अहमद साहब जुल्फों को सहला रहे हैं महबूबा के जुल्फों को जितनी भी तारीफ की जाए भरपूर फायदा हुआ वन बाउंड पे होते होते बचा है और इस टूर्नामेंट की खासियत अभी तक कोई वन बाउंड नहीं हुआ क्या आने वाले मुकाबलों में वन बाउंड हो जाए इलाज किया गया काफी देर के बाद आगे पांच के स्कोर पे बहुत ही अच्छा जजमेंट था आसिफ का। इनकी उम्र तकरीबन 50 साल को छू रही होगी लेकिन स्टेमिना देखिए वॉलीबॉल की फील्ड में है आसिफ पठानकोट नौजवान खिलाड़ी भी इनको देख के शर्मा जाए जो मूर्ति जो चुस्ती के अंदर है और ये जालिम सिंह यादव एक शॉट लगाया और अपनी टीम को बराबरी दिलाया। इशादाब कलम मुबारकपुर के ग्राउंड पे अलबाज कासिम अहमद से तेज मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला और यहाँ की शॉट लगाई है तनवीर ने 5 नंबर की विकेट में तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच में इम्तियाज अहमद साहब एडवोकेट हुसैन अहमद साहब इनामुल हक साहब नौसाद अहमद साहब जमदेद अहमद साहब
रियाज अहमद साहब, इम्तियाज उर्फ तनाबू साहब, नौसान अहमद साहब, हाजी मोहम्मद साहिब साहब, अकरम साहब और बहुत से नाम मौजूद है, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। और वहीं पे हमारे साथी जो कमांडेटर है, सीनियर कमांडेटर राइस अहमद साहब ने आजी जैद जमहरी, अफरोज आलम उर्फ बादल और यहाँ पे ड्राइवर बैठे अलमस, और ये इस तरह के कामयाब होने की जमानत देते हो, ये भी है जिसमें जमजम लाइट हाउस की जो लाइटें लगी है बिल्कुल दुनिया रोशनी में जगमगाता हुआ ये स्टेडियम बैठाओगे टावर की मेहनत रद्द आ रही है। मैं जब इस पिंडाल में बैठा था तो मुझे इस पिंडाल की खूबसूरती का अंदाजा नहीं हुआ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। जब सामने गया मैंने पिंडाल विधर बने का हुआ हुआ कई खूबसूरत बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया इस पिंडाल को दादाब उस टावर में। नहीं कर पाए फिर से प्लाइट मिला है न प्लाइट के आगे में सात बराबर आसिम गंगापुर का कपास और एक टच आउट कराया है आमिर। दस नंबर की जो किट होती है उसमें जो खिलाड़ी होता है वो टीम का कवर हार होता है, तो बिल्कुल दस नंबर की जो किट पहनी है आमिर ने उसका कल उतार रहे हैं, उसका हक अदा कर रहे हैं। और ये हाथी में क्या कहने, बिल्कुल अपने पूरे अपने जिगर को निचोड़ दिया है हाथी ने। मैं देखा था तो यहाँ पे लगातार दो प्लाइन स्कोर किए हैं, सभी के स्कोर चले गए हैं, ना ही लगे सिरे ना और सात के स्कोर रहे हैं। और इस टूर्नामेंट में जुड़ा हुआ है हासिम जनरल स्टोर छोटी एजेंडी, जहां पे आप चूड़ी मेकअप का सामान सभी चीजें वहां पे दस्तयाब है आपको, जो कि प्रोप्राइटर है अब्दुल हाकिम खान। और सामने जो है इस टूर्नामेंट के सामने जो रोड है वहां पे हंजला भंडी एंड रेस्टोरेंट है, वहां पे आप ईरानी चाय, बिरयानी, फ्राई चावल और बहुत सी चीजों का आनंद ले सकते हैं। और एक तंगीर वहीं पर दबाया गया, तंगीर इशारा है आतिफ के लिए, लंबा हिटे में कामयाब रहे। और हाँ, काजी मोहम्मद सिद्दीक मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला। और ये आमिर द्वारा बसार अब्दुल रहीम और ये अलतमस लंबा कैलाश अब्दुल रहीम ने संभाला है, आतिफ के लिए इशारा आया है, टच आउट कराने में कामयाब। इस तरह से लगातार इस दूसरे सेट में बहुत बना रहा है सफेद स्पोर्ट गैलरी बलिया कल्याणपुर मोड़ कंकट बाजार आजमगढ़ सफेद चार नंबर की टीम में टीम कैप्टन अशरफपुर और टीम कैप्टन कटौली। प्लीज इटअप हो गए, वार्म अप हो गए, रेडी रहे सेकेंड सेमीफाइनल दूसरे सेमीफाइनल के लिए। मैं देख रहा हूं कि अफरोज आलम हमारे ग्राउंड में चहल कदमी करते हुए, क्या पास है, वाह वाह, लेकिन वहीं पे आमिर चैलेंज हुआ है तंगीर को। आसिम तो सब अच्छा पास और ये वहीं पे डिफेंस किया है, ताकत की ये लड़ाई, ताकत की लड़ाई में और यहां से बॉल को कंट्रोल किया जालिम। और ये सफेद
बॉल को टॉस करके मिला पाकिस्तान लाइन अगेंस्ट थे। पब्लिक अगर बेदार हो जाए तो इस मुकाबले का जो रंग और ढंग है बदल जाएगा। दस बराबर का स्कोर है। बिहार के लिए इशारा और बिहार को ही बताया गया। यहां पर पहली बार इस मुकाबले में युद्ध कर रहा है आसान फर्स्ट टाइम आउट है सेकेंड लाइन सफेद स्कोर्ड के लिए। टूर्नामेंट का जो जज्बा हासिम के साथ इस निहाल को छुटाया है और अंपायर का इशारा बॉल ऑन द लाइन। इस तरह से एक आसान से सर्विस चेंज मिला है। इस मुकाबले को कवर कर रहे हैं दोस्त वॉलीबॉल मीडिया आजमगढ़, अक्रम वॉलीबॉल मीडिया आजमगढ़ और नेशनल स्पोर्ट लाइव चैनल यूट्यूब और फेसबुक पर आपको लाइव मुकाबला दिखाई और एक टच आउट का इशारा सेकेंड रेफरी का इशारा। प्लेयर्स प्लीज जो आप देखिए नो कमेंट ऑन रेफरी फाइनल। प्लेयर्स अंपायर से ना हुई है ग्राउंड को छोड़ के ना जाए अच्छी बात नहीं होती है। दुनिया वाली बात है कसम से अगर कोई मार मांगते थे कोई ना भाई करिया कसम से जाओ धमका बोलो अगर खेली तो कौन कहाँ है। मैंने इसके लिए साथी खिलाड़ी है पुराने खिलाड़ी है ये वो इस तरह से उठ के जाना अच्छा नहीं होता। जो स्पोर्ट गैलरी बराबर है वाली को टॉस किया सफीक रहमान फिर बना दे सिंह यादव का हल्का सा प्लेसमेंट दिया और इस मुकाबले एक पॉइंट से लीड कर रहा है। पहला पॉइंट से लीड कर रहा है। पटना जो सेकेंड सेमीफाइनल के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। जैसे ही मुकाबला खत्म होता है ग्राउंड में आ जाएंगे। और ये बैक काउंटर के लिए इशारा हार्दिक के लिए बहुत ही अच्छा शॉट लगाया जालिम सिंह यादव ने और सिटी बाल को जब तक कंट्रोल करते तब तक पहुंच से बाहर हो चुकी थी। आसिम और ये अलतमा सच निहाल देखा जगह खाली है हल्का सा जवाब दिया बाहर आई जाने के स्कोर के फिर सर्विस चेंज। सफेद सर जालिम सिंह यादव का अच्छा टीम और ये शॉट 12 नंबर का अच्छा प्रहार इस तरह से बढ़ते इस मुकाबले में अपने आप को बनाए रखा है। अगर इस मुकाबले को जीतना है आफाब क्लब डिग्री तो एक नया रंग इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में देखने को मिलेगा और इस सफेद टीम में बाल को और ये आती जालिम सिंह यादव के सामने दीवार बनकर खड़े थे बिल्कुल भी पॉइंट अरे पॉइंट सर्विस चेंज 12-11 13
था, लेकिन डिफेंसर के हाथों को चुनते ही बाल पर उसके बाहर इस तरह से पॉइंट मिला है। नौ पॉइंट 13 अगेंस्ट 11 13 जाए के स्कोर पे। तारिक भाई, तारिक भाई अनवर भाई से मिलने तारिक भाई हैदराबाद अनवर भाई से मिलने तारिक भाई हैदराबादी भाई के पकड़ के पास है पुरस्कृति अनवर भाई से मिलने और ये कभी जाए कर बैठे अरे अरे नती भाई अशरफ सईद एंड कंपनी और कटौली बिल्कुल तैयार है। आइयो अपनी सर को थोड़ा सा पीछे कर लें। आइयो 11:40 थोड़ा पीछे कर लें। और यहाँ तमस ड्राफ्ट को दिया हुआ मारे लेकिन इस तरह से मिला है 14 जाए के स्कोर पर। नाउ एक गर्ल से पॉइंट लेडी देहरी बहुत ही अच्छा स्टार्ट लगाया है वालिद के यादव ने। जालिम सिंह यादव अगर पुरानी लय में आ जाए इस मुकाबले को जीतिए और तीसरा सेट हो तो इस सेमीफाइनल का रंग और ढंग बदल जाएगा। बहुत ही फसल स्टार्ट लगाए हैं अनुपम ने सहराज जमाली जी के काफी दिनों के बाद वॉलीबॉल इस खेल के नजर आ रहा है। कुछ दिनों बाद इस खिलाड़ी का एक निकलेगा तो अलग लय में होगा सहराज जमाली और बाल को कंट्रोल किया। यहाँ पे गेंद प्रेस करने का सुनहरा होता है क्या गेंद को प्रेस कर सकते हैं नहीं। वालिद सिंह यादव अभी चट्टान अभी मुमकिन नहीं है। अगर तीसरा सेट हो जाए तो इस सेमीफाइनल का रूप रंग बदल जाएगा। अगर यहां से 3 पॉइंट और स्कोर करे मुकाबले को बराबरी पे लाए और एक तंगी आसिफ बाल को कलेक्ट करना चाहते थे लेकिन साथी खिलाड़ी के हाथ से लग के बाल डिफ्लेक्ट हुआ वहां से उनको कलेक्ट करने में दिक्कत। सफेद सर्व सिंपल सर्व अच्छा रिसीव और बाल को क्रॉस करना चाहते थे आतिक लेकिन बाल नेट में उलझी। इस तरह से एक बार फिर आसिम गंगापुर सर्विस पे और ये अल्तमस देखा जाता पाली है ड्रॉप दिया। पूरा माइंड गेम खेल रहा है सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग भी लगा रहा है। जहाँ पे ताकत खत्म होती है वहां पे दिमाग काम करता है तो दिमाग लगाया है अल्तमस ने और जालिम ने कोई बात नहीं रेफरी की निगाहें भी पता खाती है रेफरी की निगाहें भी पता खाती है लेकिन प्लेयर्स अच्छा जो होता है वो अपनी गलती को कंप्लेन नहीं करता और ये जालिम ने किया जो इस मैसेज सर्विस पे क्या कोई बुलाएंगे आने वाला वक्त बताएगा। अरे हाथी जो वहां से आए थे बहुत ही अच्छा टच दिया था बाल को अगर थोड़ा सा भी किसी से टकराती बाल
तो क्लास हो सकते थे लेकिन सेकंड मैच नहीं मिला। पॉन्टिस प्रयास अच्छा पास सरदार जमाली टच आउट कराया है भाई बॉटल को उसकी सही जगह पर रखा। जारिम सिंह यादव अच्छी सर्विस और ये अब एक ट्राई कर बैठे तनवी इस तरह से एक पॉइंट मिला है काफी देर के बाद बारह चौदह अगर मजबूरी जा रहा है तो इस मुकाबले में जान पैदा हो सकती है। जारिम सिंह की यादव की सर्विस और ये अंपायर का डिसीजन जाना बाकी इस तरह से ये जो मीटिंग हजार उसको थोड़ा सा बाहर कर दें पीछे जो हजार कुर्सी पे बैठे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है। टेन के अंदर जो पब्लिक आ चुकी है उनको थोड़ा सा पीछे कर दें। इंडिया का जो सर्विस निहाल और निहाल सर्विस को चेंज कराया है मुकाबले को बराबरी पे लाएंगे जालिम सिंह यादव तेरह चौदह के स्कोर पे जालिम सिंह यादव की सर्विस अच्छी सर्विस कपिल का अच्छा पास निहाल के लिए इशारा। अरे नेल डाल पुत्र टीके और यहां का मसाल को डाउन करने में नाकाम। इस टूर्नामेंट में डिफेंस बहुत ही खूबसूरत किया है हासिम ने। जितनी भी तारीफ की जाए हासिम की कम है। नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है चौदह प्लेयर के स्कोर पर सरदार जमाली का पास मिस्टेक कर गए इस तरह से पहला से भी फाइनल में प्रवेश कर लिया है।